覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो ये इस चैनल का फर्स्ट Q&A एपिसोड है और आज हम काफी सारे सवालों का आंसर देने वाले हैं और वो सवाल कुछ ऐसे हैं। अब इन सवालों के आंसर से आप में से काफी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ स्टडी रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू सिर्फ अपने तरफ से इन सवालों का आंसर दिया है। आप चाहे तो 6 से 10 सवाल कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो और आपकी सवालों को लेकर हर वीक Q&A एपिसोड इस चैनल पे आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल, क्रेटोस वर्सेस डांटे। तो क्रेटोस एक डेमीगॉड है, वही डांटे एक हाफ डीमन। दोनों ही काफी सारे पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करते हैं और दोनों के पास ही एक से बढ़कर एक मैजिकल एंशिएंट एंड पावरफुल वेपन्स है। डांटे एंड क्रेटोस दोनों ही सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। भले ही डांटे की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस क्रेटोस से फास्ट है, लेकिन एक बैटल में क्रेटोस बीट कर सकता है डांटे को। डांटे के पास क्विक सिल्वर है जिससे वो टाइम को स्लो कर सकता है, वही क्रेटोस के पास एम्युलेट ऑफ यूरोबोरस है। डांटे के पास स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा एंड रिविलियन जैसे वेपन्स है, वही क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ अथीना एंड लिवाइथन एक्स जैसे। लेकिन इसके साथ साथ क्रेटोस के पास ब्लेड ऑफ ओलंपस है जो कि लिटरली एक गॉड किलर डिवाइन वेपन है। तो पॉसिबली क्रेटोस डांटे की नॉर्मल वर्जन से लेकर कई सारे डेविल ट्रिगर वाले फॉर्म्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन सीन डेविल ट्रिगर में डांटे की पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आई थिंक सीन डेविल ट्रिगर को यूज करके डांटे क्रेटोस को डिफीट कर सकता है। वही क्रेटोस के पास भी ब्लेड ऑफ ओलंपस जैसे गॉड किलर वेपन है जिससे वो भी पोटेंशियल रखता है डांटे की सीन डेविल ट्रिगर को बीट करने की। तो आई थिंक इन दोनों की बैटल में कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल, बैटमैन वर्सेस आयरन मैन। तो बैटमैन एंड आयरन मैन इन दोनों में काफी सारी चीजें सिमिलर है, खासकर इनकी इंटेलेक्ट। अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो इनकी बैटल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ब्रूस वेन एंड टोनी स्टार्क बिना किसी इक्विपमेंट्स के एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो नो डाउट ब्रूस वेन जीत जाएगा, क्योंकि बिना किसी इक्विपमेंट्स के भी बैटमैन मास्टर मार्शल आर्टिस्ट एंड एक पीक ह्यूमन बीइंग है। वही अगर बात करें रैंडम इनकाउंटर की तो यहाँ पर आयरन मैन जीत जाएगा, क्योंकि बैटमैन की सूट की कंपैरिजन में आयरन मैन की आर्मर ज्यादा वेपन्स कैरी करती है। इसके अलावा आयरन मैन की आर्मर उसे काफी सारे एबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है जैसे कि इनहैंस स्ट्रेंथ एंड फ्लाइट। लेकिन अगर दोनों को प्रिपरेशन टाइम मिले तो आई थिंक बैटमैन के पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि वो बैटमैन है। बैटमैन की टेक्नोलॉजी आयरन मैन की टेक को टक्कर दे सकती है। इसके अलावा बैटमैन के पास एक डिटेक्टिव दिमाग है जिससे वो फाइटिंग स्ट्रेटेजी बना के काफी अच्छे तरीके से अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है। तो विद प्रिपरेशन टाइम आई थिंक बैटमैन जीत जाएगा। तीसरा सवाल, थॉर वर्सेस डूम्सडे। ये वाला आंसर डिपेंड करता है आप थॉर एंड डूम्सडे की किस वर्जन के बारे में बात कर रहे हो, कॉमिक या फिर मूवी। वैसे अगर मूवी वर्जन ऑफ थॉर एंड डूम्सडे एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो यहाँ पर डूम्सडे जीत जाएगा। थॉर की जो सिग्नेचर अटैक है यानी लाइटनिंग स्ट्राइक, वो डूम्सडे के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि डूम्सडे किसी भी टाइप की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है चाहे वो लाइटनिंग हो या फिर कुछ और थॉर की अटैक्स डूम्सडे को पावरफुल बनाता जाएगा। अपनी स्टॉर्म ब्रेकर से वो डूम्सडे को हार्म कर सकता है, लेकिन डूम्सडे की हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा डूम्सडे सुपरमैन एंड वंडर वुमन को एक साथ टक्कर दे चुका है। थॉर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आई थिंक डूम्सडे इस बैटल को जीत जाएगा। नंबर 4, अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग। तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर देखे तो इस सवाल का आंसर भी डिपेंड करता है आप अवेंजर्स की किस वर्जन के बारे में बात कर रहे हो, मूवी या फिर कॉमिक्स। लेकिन अगर मूवी वर्जन ऑफ अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग के बारे में बात करें तो जस्टिस लीग अवेंजर्स की मेन 6 मेंबर्स को डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि अवेंजर्स 2012 में थॉर एंड हल्क के अलावा बाकी मेंबर्स जस्टिस लीग की पावरफुल मेंबर्स जैसे कि एक्वामैन, वंडर वुमन, सुपरमैन एंड फ्लैश जैसे कैरेक्टर के अगेंस्ट टिक नहीं पाएंगे, और उस टाइम में आयरन मैन की आर्मर भी इतना अपग्रेडेड नहीं था। वही एंड गेम वाले अवेंजर्स बीट कर सकते हैं जस्टिस लीग को, क्योंकि एंड गेम वाले अवेंजर्स के पास सुपर हीरोज काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जस्टिस लीग। नंबर 5, थॉर वर्सेस शज़ाम कॉमिक वर्जन। तो कॉमिक वर्जन ऑफ शज़ाम एंड थॉर ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल है, दोनों के पास ही लाइटनिंग कंट्रोल एंड मैजिकल एबिलिटीज है। तो मार्वल वर्सेस डीसी क्रॉसओवर में थॉर एंड शज़ाम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, जहां पर काफी तगड़ा बैटल होने के बाद थॉर ने शज़ाम की लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके उसे हरा दिया था। वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है इस टॉपिक पे, बट आई थिंक थॉर बीट कर सकता है शज़ाम को, यानी थॉर की जीतने का चांसेस एक मॉडरेट मार्जिन से ज्यादा है। नंबर 6, कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपर गर्ल। तो कैप्टन मार्वल मूवीज में दिख चुकी है, लेकिन सुपर गर्ल को लेकर मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो इन दोनों की कॉमिक वर्जन को कंपेयर करें तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सुपर गर्ल की बेस स्ट्रेंथ ज्यादा
ज्यादा है कैप्टन मार्वल से बिकॉज ऑफ हर क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी। कैप्टन मार्वल अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सुपर गर्ल से लड़े तो उसके पास एक चांस है, वरना सुपर गर्ल टेक डाउन कर देगी कैप्टन मार्वल को। नंबर 7, डार्क साइड वर्सेस गैलेक्टस। तो क्रॉसओवर कॉमिक में डार्क साइड एंड गैलेक्टस एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, एंड उस कॉमिक को देख के ऐसा लग रहा था कि गैलेक्टस काफी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू डार्क साइड, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है डार्क साइड के अवतार के ऊपर, क्योंकि डार्क साइड की कुछ अवतार लेस पावरफुल है और कुछ अवतार स्पेक्टर, एंटी मॉनिटर एंड हाई फादर जैसे बींग्स के अगेंस्ट भी टू टू टो फाइट कर चुके हैं। यानी डार्क साइड की मोस्ट पावरफुल अवतार एक वेलफेड गैलेक्टस को बीट कर सकता है। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर हम मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गैलेक्टस एंड डार्क साइड के बारे में बात नहीं कर रहे। नंबर 8, डॉक्टर डूम वर्सेस ब्लैक एडम। डॉक्टर डूम एंड ब्लैक एडम दोनों के पास ही काफी ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है, एंड ब्लैक एडम के पास बेसिकली 6 गॉड्स की पावर्स है जो कि शज़ाम के पास भी है। दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन में से एक है। इन दोनों में काफी सारी चीजें नोटिसेबल है, जैसे कि ब्लैक एडम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रैंडम इनकाउंटर में पूरे जस्टिस लीग को डिफीट कर चुका है, वही डॉक्टर डूम को हमेशा ही प्रिपरेशन टाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो प्रिपेयर होकर आता है तब उसे रोक पाना नियर इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आई थिंक एक रैंडम इनकाउंटर में ब्लैक एडम डिफीट कर देगा डॉक्टर डूम को, वही अगर दोनों को बैटल से पहले प्रिपरेशन टाइम मिले तो डॉक्टर डूम डिफीट कर सकता है ब्लैक एडम को। लेकिन ब्लैक एडम के पास भी विजडम ऑफ सोलोमन है, तो वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आ सकता है, लेकिन स्टिल डॉक्टर डूम के पास विद प्रिपरेशन टाइम एक एज है। नंबर 9, वन अबव ऑल वर्सेस द प्रेजेंस। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका आंसर देने के लिए काफी सारी चीजों को क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हम एक सेपरेट वीडियो में दे देंगे। नंबर 10, ग्लैडिएटर वर्सेस सुपरमैन। तो ग्लैडिएटर इंपीरियल गार्ड का लीडर है, उसकी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसने हाइपेरियन की कमर तोड़ दिया था एंड ब्लैक होल को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। वही सुपरमैन ने प्लैनेट से लेकर सोलर सिस्टम को अपनी एक स्नीज से डिस्ट्रॉय किया है, ब्लैक होल को अपने हाथों में होल्ड किया है, सोलर रेडिएशन के बिना भी अर्थ की वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया है। इसके अलावा बेस वर्जन ऑफ सुपरमैन सन से अपने आप को इम्पावर्ड करके मल्टीवर्सल गॉड से लेकर मल्टीवर्स तक को अपनी एक पंच से डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। तो ग्लैडिएटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मैन ऑफ स्टील की फीट्स उसे ग्लैडिएटर से ज्यादा सुपीरियर बनाता है। तो इस बैटल में सुपरमैन डिफीट कर देगा ग्लैडिएटर को। नंबर 11, मार्शियन मैनहंटर वर्सेस हल्क। तो हल्क जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, हल्क की बेस स्ट्रेंथ भले ही 100 टन या फिर इससे थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन जैसे ही वो अपनी रेज को अनलिस्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहती है। वही दूसरी तरफ मार्शियन मैनहंटर, जिसे हम मार्स की सुपरमैन कह सकते हैं, मार्शियन मैनहंटर के पास शेप शिफ्टिंग, हीट विजन, सुपर ब्रेथ, फेजिंग, टेलीपैथी एंड सुपरमैन को टक्कर देने जैसा स्ट्रेंथ है। वो एनर्जी एंड मैटर को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकता है। तो हल्क एंड मार्शियन मैनहंटर अगर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो स्टार्टिंग में मार्शियन मैनहंटर हल्क के ऊपर भारी पड़ सकता है, लेकिन बैटल के दौरान अपनी रेज की वजह से हल्क की स्ट्रेंथ इंक्रीज होता रहता है और एक टाइम पे आके मार्शियन मैनहंटर हल्क की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन मार्शियन मैनहंटर एनर्जी एंड मैटर को अब्सॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है एंड फेजिंग एबिलिटी को यूज करके हल्क की अटैक से बच भी सकता है। मार्शियन मैनहंटर की रिफ्लेक्सेस हल्क से काफी ज्यादा फास्ट है और मार्शियन मैनहंटर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो चाहे तो माइंड अटैक्स करके हल्क की गुस्से को ठंडा कर सकता है एंड मार्शियन मैनहंटर को यूनिवर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ भी कहा गया है। तो एक फिजिकल बैटल में हल्क मार्शियन मैनहंटर को डिफीट कर देगा, लेकिन अपनी इंटेलेक्ट एंड स्पेशल एबिलिटीज को यूज करके मार्शियन मैनहंटर हल्क की गुस्से को ठंडा करके उसे ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी मार्शियन मैनहंटर को हल्क से लड़ने की बजाय उसकी गुस्से को ठंडा करके उसे ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हल्क से लड़ने की कोई फायदा ही नहीं है। हल्क को अब जितना गुस्सा दिलाओगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओवरऑल देखे तो एक फिजिकल बैटल में हल्क डिफीट कर देगा मार्शियन मैनहंटर को, वही मार्शियन मैनहंटर भी अपनी स्पेशल एबिलिटीज को यूज करके हल्क को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। नंबर 12, ज़ूस वर्सेस ओडिन। तो मार्वल ज़ूस एंड ओडिन दोनों ही स्काई फादर लेवल की कैरेक्टर है और मार्वल कॉमिक्स में इन दोनों को लगभग इक्वल कहा गया है। ज़ूस अपनी मिस्टिकल एबिलिटीज को यूज करके ओडिन विद ओडिन फोर्स को टक्कर दे चुका है, गैलेक्टस को नॉक बैक कर चुका है। वही ओडिन अपनी पावर से यानी ओडिन फोर्स को यूज करके गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा अपनी पीक कंडीशन में ओडिन ने हंग्री गैलेक्टस तक को अनकॉन्शियस कर दिया था। अगर क्रिटिकल एंड डीपली एनालिसिस करें तो ज़ूस एंड ओडिन ऑलमोस्ट इक्वल है मार्वल कॉमिक्स पे, लेकिन ओडिन पॉसिबली थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मार्वल ज़ूस। ये दोनों अगर बैटल करे तो मल्टीपल गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओडिन जीत जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।